हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों जो कन्वर्सेशन के क्वेश्चन हमने पहले किए थे उनको हम आज फिर रिवाइज करेंगे। ये बाय वीडियोस मैंने पहले भी आपको कराए हैं, आज फिर देख लीजिए। बेटा ये मेरे पास 14 क्वेश्चन हैं, एक्चुअली मैंने कराए 15 थे बट एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया था ये क्लास वाला, तो इनको दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा जब भी आप किसी से के साथ बात करते हो तो आपने विश करना है। आप हेलो बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, ऐसे करके आपने विश करना है। और जब कोई आपका नाम पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने अपने नेम बताना है, माय नेम इज़, ऐसे करके जो भी आपका नेम है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम क्रिश, आई एम नव, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, इसका आंसर रहेगा आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, या फिर जो बच्चे सिक्स ईयर्स के हैं वो 6 ईयर्स ओल्ड बोलेगा, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्लास डू यू रीड, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तब आपने क्लास बतानी है, आई रीड इन UKG क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, मीन्स कि आप कहाँ पर रहते हो, तो आपने बताना है आई लिव इन इंद्री, जो बच्चे इंद्री में रहते हैं वो इंद्री बताएंगे, और जो किसी विलेज में रहते हैं वो अपने विलेज का नेम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम, ये भी सेम ही क्वेश्चन है बेटा कि आप कहाँ से हो या कहाँ से आते हो, इसका मीनिंग ये है, तो आपने बोलना है आई एम फ्रॉम इंद्री, मैं इंद्री से हूँ, या फिर किसी विलेज जिस भी विलेज में आप रहते हो उस विलेज का नेम बताना है, आई एम फ्रॉम खेड़ा, आई एम फ्रॉम पटेड़ा, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्कूल डू यू रीड, या फिर ऐसे भी कोई आपसे पूछ सकता है इन विच स्कूल डू यू स्टडी, कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो आपने आंसर देना है आई रीड इन अनेजा सिटी हर्ट स्कूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ योर क्लास टीचर, तो बच्चों आपको अपने क्लास टीचर का नेम पता है, आपने अपने क्लास टीचर का नेम यहाँ पर बताना है, जो भी आपके क्लास टीचर का नेम है। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल सर, स्कूल प्रिंसिपल सर, आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर का नेम क्या है, तो आपने बोलना है मिस्टर विजय अनेजा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल मैम, आपके प्रिंसिपल मैम का नेम क्या है, तो आपने बताना है मिसेस सुनीता अनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू वांट इरेजर, बेटा जब आप किसी से इरेजर मांगते हो तो अब आपने कैसे बोलना है, कैसे मांगना है, तो आप बोलोगे प्लीज़ गिव मी इरेजर। व्हेन यू वांट पेंसिल, जब आप पेंसिल लेना चाहते हो किसी से तब आप बोलोगे प्लीज़ गिव मी पेंसिल। व्हेन यू एंटर इन योर क्लासरूम, जब आप अपने क्लासरूम में एंटर करते हो बाहर से, तब आपने परमिशन लेनी है अंदर आने के लिए, और आप बोलोगे मे आई कम इन सर, या फिर मे आई कम इन मैम। नेक्स्ट है व्हेन यू गो टू ड्रिंक वाटर, जब आप पानी पीने के लिए जाते हो तो आपने क्या बोल के जाना है, आप परमिशन लेके जाओगे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन यू वांट टू साइड फ्रॉम समबडी, जब आप किसी से साइड मांगते हो, जस्ट सपोज कि आपके रास्ते में कोई खड़ा है और आप किसी से साइड मांगते हो, या तो आपने कैसे बोलना है, आप बोलोगे प्लीज़ गेट ए साइड, कि मुझे साइड दे दीजिए, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन आपने रिटर्न में नहीं रखने हैं, ये आपके रिटर्न में नहीं होंगे, ये ओनली आपके ओरल वर्क है, ये आपका आपसे ये कन्वर्सेशन है हमारी, जो आम बातचीत के क्वेश्चन हैं ये आपको बोलने आने चाहिए, इनका आंसर देना आना चाहिए। आप किसी भी नोटबुक के ऊपर, वैसे तो आपने लिखे हुए हैं ये पहले मैंने कराए हुए हैं, बट अगर नहीं लिखे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप किसी एक नोटबुक के ऊपर राइट कर लीजिए और इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।